सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल सरन और स्वागत करता हूँ वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे लोग, आप लोगों को जैसे पता है कि मेरे चैनल पे अभी सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक चल रहा है, जिसके ऑलरेडी 7 पार्ट्स इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन ने वो पार्ट्स नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियो के लिंक्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जो जो लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट देखने के लिए इंटरेस्टेड है, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस। आई एम श्योर यू आर गोना लव दोज वीडियोस। तो आज का सेशन है हमारा कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनडीए से रिलेटेड। तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज ग्रेफाइट, ठीक है। और मुझे फिर उसके चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। बोला गया है इज हार्डर देन डायमंड, ठीक है, यानी ग्रेफाइट के चार स्टेटमेंट्स के बारे में दे रखा है। मुझे बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द फॉर्म ऑफ द कार्बन नोन एज ग्रेफाइट, पहला स्टेटमेंट है इज हार्डर देन डायमंड, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कंटेन्स अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन डायमंड, चलो ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है is a better electrical conductor than diamond, चलो फिर भी ठीक है। और last but not the least, has equal carbon to carbon distance in all direction, चलो very good। तो ये चारों statements के बारे में अपन लोगों ने देख लिया। अब solve करते हैं हम इस question को। तो एक एक statement को हम एक एक बार करके solve करेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला आप लोगों से doubt है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कार्बन जो कि एक एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या होता है, आप लोगों का आंसर आएगा सी, वेरी गुड। और मैं आप लोगों से पूछूं कि इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप लोगों का आंसर कितना आएगा, आप लोगों का आंसर आएगा 6, वेरी गुड। अब मैं आप लोगों से पूछूं जो ये कार्बन जो एलिमेंट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो आप लोगों का आंसर कितना आएगा 12, वेरी गुड। तो कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल सी है, एटॉमिक नंबर 6 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12। तो ये बातें तो मुझे क्लियर है, चलो ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा बेटा जी। देखो, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है व्हेन वन एलिमेंट, व्हेन वन एलिमेंट अकर्स इन टू और मोर देन टू, व्हेन वन एलिमेंट अकर इन टू और मोर देन टू डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, देन इट इज नोन एज एलोट्रॉप्स, ठीक है। जब कभी भी एक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। यस और नो, क्या ये बात सबको क्लियर होती है, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या कार्बन एक एलोट्रॉप है, यस और नो, क्या कार्बन एक एलोट्रॉप है, यस इट इज एन एलोट्रॉप, यस इट इज एन एलोट्रॉप। क्यों, क्योंकि कार्बन के दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं वो कौन कौन से डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होते हैं कार्बन के, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, पहला जो इसका फिजिकल फॉर्म है वो है ग्रेफाइट, चलो वेरी गुड। दूसरा जो फिजिकल फॉर्म है वो है इसका डायमंड,
चलो वेरी गुड। और तीसरा जो इसका फिजिकल फॉर्म है वो है बेटा फुलरीन्स। ठीक है, तो पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड और तीसरा है फुलरीन्स। तो आज हम फुलरीन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली ग्रेफाइट एंड डायमंड। यस और नो? चलो यहां तक आई होप आप लोगों को बात क्लियर होगी कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। वेरी गुड। एटॉमिक नंबर होता है 6, मॉलिकुलर वेट होता है मेरा 12, और एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर वन एलिमेंट अकर्स इन टू और मोर देन टू डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों से पूछा क्या कार्बन एक एलोट्रॉप होगा, तो आप लोगों का आंसर था यस, और मैंने उन एलोट्रॉप्स के नाम भी पूछे, पहला था ग्रेफाइट, दूसरा था डायमंड और तीसरा था फुलरीन्स। चलो वेरी गुड, अब हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट बोला गया कि कार्बन इज हार्डर देन डायमंड, वेरी गुड। तो इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं बेटा जी, जो हार्डनेस स्केल है, जो हार्डनेस स्केल है वो डिफाइन किया है 1 to 2 के, 1 to 10 के स्केल में, 1, 2, 3, 4, 5 और ये जाता है अप टू 10 एंड व्हेनेवर आई गो डाउन द कॉलम। ठीक है, व्हेनेवर आई गो डाउन द कॉलम तो हार्डनेस इंक्रीज होती है। ठीक है, जो हार्डनेस स्केल है वो डिफाइन किया है 1 to 10 के स्केल पे। ठीक है, एंड व्हेनेवर आई गो डाउन टू कॉलम यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब भी आता हूं तो हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस बढ़ जाती है। ठीक है, आईआईटीज में ना बेटा, आईआईटीज में जो हम लोगों की मार्क्स होते थे वो सीजीपीए के बेसिस पे होते थे। ठीक है, तो जो टॉपर होता था उसकी आती थी लगभग अराउंड 9.6 सीजीपीए ऑन अ 10 स्केल। ठीक है, और जो सबसे लास्ट आता था उसकी सीजीपीए होती थी अराउंड 5.2। ठीक है, तो इसी बेसिस पे बेटा ये हार्डनेस डिफाइन की गई है। जो जो डायमंड की हार्डनेस है वो सबसे ज्यादा है, विच इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमें पता है डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। यस और नो? डायमंड कैसा है मेरा, हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, तो जब डायमंड की जो हार्डनेस स्केल है वो सबसे ज्यादा है, देन हाउ इज इट पॉसिबल फॉर ग्रेफाइट टू हैव अ हार्डनेस मोर देन द डायमंड। ठीक है, और जो ग्रेफाइट की जो हार्डनेस होती है वो 1 to 2 के बीच में ऑस्किलेट करती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट की हार्डनेस है 1 or 2 के बीच और डायमंड की हार्डनेस है 10, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा था कि ग्रेफाइट की हार्डनेस डायमंड से ज्यादा है, तो पहला स्टेटमेंट मेरा कैसा हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। यस और नो? चलो ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो, बोल रहा है कि कंटेन्स अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन डायमंड। ठीक है, यानी कि मुझे बोला जा रहा है कि जो ग्रेफाइट है उसमें क्या, जो कार्बन का कंटेंट है, कार्बन का जो कंटेंट है वो किससे ज्यादा है, डायमंड से। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये चीज सही हो सकती है, जब मैंने आपको दोनों बोला कि कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स ग्रेफाइट डायमंड और फुलरीन्स, तो क्या ये वाली चीज सही हो सकती है, यस और नो? एब्सोल्युटली नॉट। कार्बन कंटेंट तीनों में सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों ही मेरे कार्बन से बने हैं। यस और नो? जो यहां पे चीज जो बदलेगी तीनों एलोट्रॉप्स में वो होगा, नोट डाल के लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, जो एक चीज
जो तीनों आइलोट्रॉप्स में बदलेगी कार्बन से रिलेटेड वो होगा अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अगर कोई आप लोगों से पूछे कि कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स कौन कौन से, तो आप लोगों का आंसर होगा ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस। और कोई आपसे पूछेगा कि उनमें एक प्रॉपर्टी जो डिफर करती है कार्बन एटम से रिलेटेड, तो आप लोग बोलोगे कि उन तीनों में जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कार्बन की जो पैकिंग होती है उन तीनों एलोट्रॉप्स में वो अलग अलग होती है। यस और नो, ये बात सबको समझ में आई? वेरी गुड, इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट था वो भी रॉन्ग प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट मेरा कब सही प्रूफ होता? अगर वहां पे लिखा होता कि कार्बन का जो वो ग्रेफाइट का जो कार्बन अरेंजमेंट है इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डायमंड, देन इन दैट केस इट वुड हैव बीन द राइट ऑप्शन, बट इन दिस केस राइट नाउ इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। चलो वेरी गुड, ऑप्शन सी देखते हैं। बोला गया है ग्रेफाइट इज ए बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर देन डायमंड। इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ गया, करंट, वेरी गुड। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करती है? जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस और नो? ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे हो मेरे, वो इलेक्ट्रॉन्स भी मेरे कैसे हो, लूजली बॉन्डेड हो, यस और नो? चलो वेरी गुड। अब एक चीज आप लोगों को बता दूं, जो डायमंड होता है, जो डायमंड उसके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आप लोगों से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के मतलब के बारे में पूछूं तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब डायमंड के पास जब कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यस और नो? चलो वेरी गुड, चलो। और वहीं अगर मैं आप लोगों से पूछूं ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट के पास बेटा इट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। अगर इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? द आंसर इज यस, यानी कि जो ग्रेफाइट है इज ए बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एज कंपेयर टू डायमंड। क्या ये बात सबको समझ में आती है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता? क्योंकि उसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? नहीं होगी। ग्रेफाइट के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, दी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलो वेरी गुड, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट मेरा करेक्ट, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ग्रेफाइट हैज इक्वल कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शन, यानी उसने बोला है ग्रेफाइट में जो कार्बन बॉन्ड कार्बन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पूरे स्ट्रक्चर में सेम है। अच्छा, जो ग्रेफाइट में जो कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है ना, ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है, कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट वो होता है बेटा जी हेक्सागोनल शीट्स की फॉर्म में, हेक्सागोनल शीट्स की फॉर्म में। ठीक है, और ये शीट्स एक लेयर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर्ड फॉर्म।
अगर आप लोगों से पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय हेक्सागोनल, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? द वन विच हैव सिक्स साइड्स, यस और नो? वेरी गुड. अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या बेंजीन एक हेक्सागोनल का एग्जांपल होगा या नहीं होगा, प्लीज मुझे बताओ क्या बेंजीन एक हेक्सागोनल का एग्जांपल है या नहीं. बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? यही होता है क्या? किसी को कोई डाउट? या आप लोग इसको इस फॉर्म में भी बना सकते हो, अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड लगे होते हैं, यस और नो? अब देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल, यस और नो? क्या ये बात मेरे सारे लाल पीलों को समझ में आती है? चलो, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आती है, जो ग्रेफाइट में जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो हेक्सागोनल शीट्स की फॉर्म में होता है, और वो किस फॉर्म में होता है? लेयर्ड फॉर्म में. तो इनका जो अरेंजमेंट होता है, अगर मैं यहां पे अगर एक डायग्राम बना दूं रफली, तो वो इस फॉर्म में होता है. देखो, एक हेक्सागोनल लेयर ऊपर होती है और दूसरी हेक्सागोनल लेयर नीचे की तरफ होती है, ठीक है? अगर मैं इंडिविजुअल बेंजीन रिंग की बात करूं, इसमें कार्बन से कार्बन एटम के बीच में जो लेंथ होती है वो होती है 0.142 नैनोमीटर, ठीक है? और देखो, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर का ये जो कार्बन है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? इनके बीच का डिस्टेंस होता है 0.335 नैनोमीटर, यस और नो? ठीक है, ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट वाइज लेंथ निकाल रखी है, तो इसे मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं कराया, ठीक है? ये चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी. केमिस्ट्री में काफी चीजें विच यू विल हैव टू लर्न इट, ठीक है? उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड डेटा है. तो इसमें आप लोग मुझसे ये मत पूछिए कि सर ये कहां से आई, कैसे निकाला. बेटा ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है, ये मैंने खुद अपने मन से नहीं लिखी है, ठीक है? तो ये डेटा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. मैंने भी याद रखा था, अभी भी रख रहा हूं, और आप लोगों को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो यानी कि आप देख सकते हो ग्रेफाइट में सी बॉन्ड सी की यहां पे दो दो लेंथ आ रही है, यानी कि जो ग्रेफाइट में जो सी बॉन्ड सी है वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की मुझे मिलती है, इसलिए कि जो ऑप्शन डी है वो भी मेरा कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया. क्या ये बात मेरे सब बच्चों को समझ में आती है? वेरी गुड. यानी मैं ये मान सकता हूं कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया. वेरी गुड. क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें बोला गया है द वैलेंसी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द, स्टेटमेंट ए बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, स्टेटमेंट बी बोल रहा है मास नंबर ऑफ एन एटम, स्टेटमेंट सी बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, और ऑप्शन डी बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम. सबसे पहले वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है मेरा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है? किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की जो कैपेसिटी को हम एक टर्म बोलते हैं, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है? इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको बोलूं, वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अगर सिंपल भाषा में बात करूं कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ अ फॉर्मूला, तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और अभी मैंने आप लोगों को बताया व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? अभी मैंने जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किया, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल. क्या ये बात मेरे सब बच्चों को समझ में आती है? चलो, वेरी गुड.
यानी कि इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाइट्रोजन का अगर मैं पूछूं आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, बेटा ये क्लास नाइन्थ में सीखा था हम लोगों ने. इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p3, यस और नो, होगा नहीं होगा? अगर मैं इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाऊं तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और p का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाऊंगा तो मुझे यहां पे तीन इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जो कि अनपेयर्ड होंगे. तो इसका आउटर मेश शेल कौन सा हुआ? p हुआ. अब p में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 1, 2, 3. यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी वैलेंसी हुई 3. वेरी गुड. आप लोगों का बेटा एक होमवर्क है, आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग मुझे 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी निकाल के बताओगे मुझे, उनकी वैलेंसी निकाल के बताओगे मुझे. ठीक है बेटा, ये हमने क्लास नाइन्थ में सीखा था, क्लास नाइन्थ में. ठीक है, तो ये चीजें तो बेटा आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये चीजें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को ये आती होंगी. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया कि 1 से 20 ले तक एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स की इन सब की मुझे वैलेंसी निकाल कर होमवर्क आप लोगों को मुझे बताना है. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वेरी गुड. अगला क्वेश्चन मेरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. अगला क्वेश्चन मुझे बोला गया है मैस दी कॉलम के सिलसिले में बोला गया है. ठीक है, अब देखो इस केस में मुझे बोला गया है लिस्ट वन में दे रखा है मुझे नॉबल गैसेस और लिस्ट टू में उसके मुझे यूजेस दे रखे हैं, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ेनन. और कॉलम टू में मुझे कुछ यूजेस दे रखे हैं. पहला है इन लाइट्स फॉर एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले, सेकेंड है एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स एंड इन लाइट हाउसेस, तीसरा है लाइट एंड फोटोग्राफर्स फ्लैश गन, और चौथा है टंगस्टन फिलामेंट टू लास्ट लॉन्गर. चलो वेरी गुड. अगर मैं यहां आप लोगों से पूछूं जो पहला जो है ऑप्शन ए, ठीक है, ये देखो बेटा इन सब की जो नॉबल गैसेस होती हैं, नॉबल गैसेस के आप लोगों को यूजेस याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, तो आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन और ज़ेनॉन, ये सब मेरी कैसी हैं बेटा? ये सब एक मेरी नॉबल गैसेस हैं, या फिर अगर इनको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो इनको मैं एक इनर्ट गैसेस भी बोल सकता हूं. यस और नो? ठीक है, इनको मैं नॉबल गैसेस क्यों बोलता हूं? कैन एनीवन टेल मी? बिकॉज दीज गैसेस डू नॉट अंडरगो any chemical reaction. ये novel gases होती हैं जो किसी भी chemical reaction में participate नहीं करती है, और अगर करती है तो काफी rarely करती है, but novel gases काफी stable होती हैं. ठीक है, एक point और भी लिख सकते हो, तो most stable. और मोस्ट स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि नोबल गैसेस कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये बेटा डाल के लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है,
तो अगली बार कोई आप लोगों से पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस का आप लोग बताओगे कि नोबल गैसेस वो गैसेस होती है भैया जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। वो बोलेगा ऐसे कैसे भाई, इसका क्या रीजन है? तो आप बोलोगे नोबल गैसेस बहुत स्टेबल होती है। वो बोलेगा क्यों भाई? फिर बोलोगे आप लोग वो स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि जो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं इन एंटायर पीरियोडिक टेबल, इसी वजह से वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आती है? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला है मेरा आर्गन, ठीक है। जो आर्गन का यूज होता है वो होता है बच्चा जी, वो होता है मेरा टंगस्टन फिलामेंट बनाने में। टंगस्टन फिलामेंट में इसका यूज होता है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे फिलामेंट का मतलब बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय फिलामेंट? आप लोगों के घरों में सब में आप लोगों के इलेक्ट्रिक बल्ब्स होंगे कुछ इस तरीके से, अंदर एक थिन वायर होगा, उसी थिन वायर को हम एक फिलामेंट बोलते हैं, यस और नो? चलो वेरी गुड। और जो ये टंगस्टन है ये एक एलिमेंट है, टंगस्टन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है W और जिसका एटॉमिक नंबर है 74। और इसको हम जो इसका मोस्ट कॉमन यूज है वो इसका फिलामेंट बनाने में यूज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3695 केल्विन, जो कि सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट, ठीक है। तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है, इसी को इसको फिलामेंट बनाने में यूज किया जाता है। चलो ठीक है सर, आपने यहां तक तो बता दिया कि फिलामेंट का मतलब क्या होता है, टंगस्टन का मतलब भी बता दिया, टंगस्टन का आपने सिंबल बता दिया, एटॉमिक नंबर बता दिया, और वो फिलामेंट बनाने में क्यों यूज होता है उसका रीजन भी बता दिया, क्योंकि इट हैज गॉट द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट व्हिच इज अबाउट 3695 केल्विन। लेकिन इसका आर्गन का रोल क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन करेंगे तो ये फिलामेंट इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है, यानी कि इसका टेम्परेचर कैसा होगा, बढ़ने लग जाएगा, हाँ। और इस बल्ब में एयर प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो ये फिलामेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या ये बर्न आउट हो जाएगा, यस और नो? क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, इसी बर्न आउट को बचाने के लिए हम जितने भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, उसमें हम आर्गन भर देते हैं बेटा, उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम आर्गन से फिल कर देते हैं। आर्गन से फिल करने के बाद जो फिलामेंट की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की और बर्न आउट करने की, वो रिड्यूस हो जाती है। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आती है कि आर्गन का यूज क्यों होता है इन टंगस्टन फिलामेंट? In order to prevent the burnout of the filament, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो था वो मेरा किससे था, वो मुझे मिला ऑप्शन 4 से, ठीक है। अब देखो अगला, देखो मेरा अगला है मेरा नियॉन, ठीक है। आप लोगों ने जब मार्केट वगैरह में जाते होंगे तो एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले देखे होंगे, वो बोर्ड्स देखे होंगे जहां पे काफी चमकती हुई लाइट लिखी होती है और बोलते हैं राजा दा ढाबा, और वो लाइट ग्लो कर रही होती है, होता है ना एलईडी डिस्प्ले वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, हाँ, सुंदर दा ढाबा, हाँ, बलबीर दा ढाबा, अतुल दा ढाबा, ठीक है। एडवर्टीजिंग डिस्प्ले जो होते हैं
और उसमें जो लाइट यूज होती है वो किस गैस का यूज करती है? वो नियॉन गैस का यूज करते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि नियॉन एक कलरलेस गैस है। अरे सर, जब ये कलरलेस गैस है तो फिर इसको एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में कैसे यूज कर सकते हैं? अरे अभी रुको तो सही, वेट तो करो, बता तो रहे हैं हम। ठीक है, अब जो इसकी ग्लोइंग प्रॉपर्टी है, वो तभी पैदा होती है जब इसको हम एक इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई देते हैं। ठीक है, जो इसकी ग्लोइंग प्रॉपर्टी है वो तभी स्टार्ट होती है, तभी ऑब्टेंड होती है व्हेन इट इज कनेक्टिंग टू अ पावर कनेक्टर। ठीक है, जब पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तभी इसकी ग्लोइंग प्रॉपर्टी ऑब्टेंड होती है, अदरवाइज ये कैसी गैस है? कलरलेस गैस है। ठीक है, जैसे ही हमने इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट किया ये ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ग्लो करने में भी सिर्फ इसके आपको दो कलर देखने को मिलेंगे जो कि होते हैं रेडिश ऑरेंज। बस आप लोगों को ये दो कलर देखने को मिलेंगे, बाकी के जो अलग अलग कलर्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट नोबल गैसेस को यूज करके बनाए जाते हैं, लेकिन नियॉन से जो हमें जो मेनली कलर मिलता है वो मिलता है हमें रेडिश ऑरेंज। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आती है कि हम इसको एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट हैज गॉट दी ग्लोइंग प्रॉपर्टी। क्या इसकी ग्लोइंग प्रॉपर्टी हमेशा रहती है? नो सर, इसकी ग्लोइंग प्रॉपर्टी तभी रहेगी जब हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। वेरी गुड, अगर हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो मुझे इसमें कौन से कलर देखने को मिलेंगे? मुझे इसमें रेडिश ऑरेंज कलर देखने को मिलेंगे। क्या नियॉन एक कलरलेस गैस है? तो आप लोगों का आंसर होगा यस, इट इज अ कलरलेस गैस। वेरी गुड, सो हमें आंसर टू भी मिल चुका है, विच इज अबाउट द नियॉन गैस, यानी नियॉन गैस का मैं बोलूंगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्रिप्टन के बारे में। मजे आ रहे हैं आप लोगों को? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को मजे आ रहे नहीं आ रहे आज के सेशन में। अरे हाँ या ना बोल मेरे लाल पीलो, क्या अतुल सर से पढ़ के आप लोगों को मजे आते हैं? चलो ठीक है, आप लोगों ने कुछ लोगों ने फ्लाइट में ट्रेवल किया होगा। ठीक है, और जब आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हो और आप लोगों की जब एयरपोर्ट पे लैंडिंग होती है तो जो आप लोगों को पता नहीं लेकिन पायलट क्या है, दूर से देख के पता लगा लेता है कि वहां पे मुझे लैंड करना है। ऐसा बता सकते हो क्यों? क्योंकि उस पूरे लैंडिंग वाले पाथ पे उसमें ग्लोइंग लाइट लगी होती है। यस और नो? उस पूरे पाथ पे इस तरीके से ग्लोइंग लाइट लगी होती है। अरे हाँ या ना बोल। और उस ग्लोइंग लाइट की जो ब्राइटनेस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि विंटर्स में जब आपका मैक्सिमम फॉग्स होता है, जो विंटर में आपका फॉग भी होता है, तब भी आप वो लाइट्स को इजीली देख सकते हो। हाँ या ना बोल। चलो वेरी गुड, जो क्रिप्टन की प्रॉपर्टी होती है इट्स कंसिडर एज अ ग्लोइंग गैस, और उसको हम एयरपोर्ट के जो पाथ के लिए यूज करते हैं फॉर लैंडिंग दी फ्लाइट्स। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, इतनी ब्राइटनेस की जो विंडोज में जो फॉग भी होता है तब भी वो लाइट इजिली विजिबल होती है टू दी पायलट्स। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? चलो वेरी गुड, यानी क्रिप्टन का जो था वो था मेरा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि ऑप्शन डी का मुझे क्या मिला? ऑप्शन नंबर थ्री। तो ये वाली प्रॉपर्टीज आप लोगों को बेटा सारी याद होनी चाहिए कि आर्गन कहां यूज होता है, नियॉन कहां यूज होता है, क्रिप्टन कहां यूज होता है, ज़ेनॉन कहां यूज होता है। कल की क्लास में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द वन यूज ऑफ नियॉन, तो आप लोगों को इजीली पता होना चाहिए कि हमारा नियॉन का कहां यूज होता है। ठीक है,
तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। नॉबल गैसेस के बारे में पता होना चाहिए, नॉबल गैसेस स्टेबल क्यों है, नॉबल गैसेस को नॉबल गैसेस क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजों का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है मेरे सारे बच्चों को? अगर चीजें क्लियर है तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वेरी गुड, अगला क्वेश्चन बोलता है मुझे टेम्परेरी हार्डनेस इन वॉटर इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलिंग ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा है मेरा कार्बोनेट, तीसरा है मेरा क्लोराइड्स और चौथा है मेरा सल्फेट्स। अरे भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हार्डनेस ऑफ वॉटर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मुझे हार्डनेस ऑफ वॉटर का मतलब बताओ। एक तो होता है मेरा सॉफ्ट वॉटर, यस और नो, और एक होता है मेरा हार्ड वॉटर। तो हार्ड वॉटर कब कहलाता है, क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में बता देता है? देखो हार्डनेस ऑफ वॉटर इज डिफाइंड बाय द, पहले डेफिनेशन लिखो फिर उसके बाद में इसका मतलब समझाता हूं। इज डिफाइंड बाय द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वॉटर। ठीक है, आप लोगों में से काफी लोगों ने अगर आपने कपड़े धोए होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग उसमें साबुन रगड़ते रह जाते हो पर कभी झाग नहीं बनता। काफी लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं कॉलेज में था तो एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि एक बार मैं साबुन बस रगड़ ही रहा था लेकिन वो झाग बन ही नहीं रहा था। वो झाग क्यों नहीं बनता है? कैन एनीवन टेल मी द रीजन बिहाइंड दैट? यस एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वो पानी कैसा है मेरा, हार्ड वॉटर है। ठीक है, हार्ड वॉटर होगा तभी वो आपका साबुन से झाग नहीं बनाएगा। वेयर एज सॉफ्ट वॉटर होता है वो हमारा अच्छे से झाग भी बनाएगा, इरिगेशन प्रॉपर्टीज में यूज होता है, इरिगेशन में यूज होगा, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में भी यूज होगा। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर को हम हर जगह यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। वेयर एज हार्ड वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर दीज पर्पसेस। क्या सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बीच में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया? चलो वेरी गुड। अब पानी में दो तरीके के हार्डनेस होती है, ठीक है, पहली हार्डनेस होती है वो होती है मेरी टेम्पररी हार्डनेस, वो होती है मेरी टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरी जो हार्डनेस होती है वो होती है मेरी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, क्या यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब जो टेम्पररी हार्डनेस होती है पानी में वो किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू दी बायकार्बोनेट्स, इट इज ड्यू टू दी बायकार्बोनेट्स, या फिर इनको मैं दूसरे नाम से भी बोल सकता हूं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है बेटा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि टेम्पररी हार्डनेस पानी में किन किन सॉल्ट्स की वजह से होती है और जो परमानेंट हार्डनेस है पानी में वो किन किन सॉल्ट्स की वजह से होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि टेम्पररी हार्डनेस की बात आ जाए तो टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द बायकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वेयर इज परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस किन सॉल्ट्स की वजह से होती है? वो होती है क्लोराइड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अगर मैं इसका एक कंपाउंड का एग्जांपल बना के बताऊं परमानेंट हार्डनेस का एग्जांपल, तो देखो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो गया मेरे मैग्नीशियम वाले। अब कैल्शियम वाले भी होंगे तो कैल्शियम सल्फेट और
कैल्शियम क्लोराइड. तो हो गया नहीं हो गया, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड. ठीक है, ये बात क्लियर होती है. अब इसी तरीके से यहां के एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, तो इसमें क्या लिखा है, बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम. तो इसका होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, यहां पे बाय का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? बाय का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये जो मैं जो जो चीजें बता रहा हूं, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, इसको प्लीज कॉपी में नोट डाउन करके लिखो, स्टार मार्क करके लिखो. पूरे यूट्यूब में, एंटायर यूट्यूब कम्युनिटी में कोई भी फैकल्टी मुझे एक ऐसा बता दो जो एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को. प्लीज आई एम टेलिंग यू कि एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस चीज को प्लीज नोट डाउन करिए और कॉपी में अच्छे से नोट्स कॉपी बनाओ, साफ सुथरी सी. ठीक है, क्योंकि एंड टाइम पे जो आप लोगों को बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा तो वो नोट्स कॉपी ही काम आएगी आप लोगों के. आप लोगों क्या पूरे असाइनमेंट शीट्स दोबारा से पढ़ोगे क्या? नो, आप लोग सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करके जाओगे. ठीक है, ठीक है. बाय का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वन हाइड्रोजन आयन. ठीक है, जब भी मेरे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बाइकार्बोनेट. देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में मेरे पास एक हाइड्रोजन आयन है और यहां पे भी मेरे पास एक हाइड्रोजन आयन है. ठीक है, ये बात सब बच्चों को क्लियर होती है? वेरी गुड, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलो, इसमें बोला गया है दिस स्टंग बाय हेयर्स ऑफ नेटल लीव्स कॉज बर्निंग पेन. This is due to the infection of acetic acid, methanoic acid, sulfuric acid या hydrochloric acid. ठीक है, इसमें बोला गया है जब nettle leaves हमारे हाथ में लग जाती हैं, nettle leaves होती है हमारी, अगर हिंदी में बोलूं इनको बिछुआ पत्ता. ठीक है, इनके spikes जैसे निकले होते हैं, अगर आपके हाथ पे touch हो जाए तो एक burning sensation होता है. तो इसने बोला कि जो वो बर्निंग सेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, कि बॉडी में ऐसा कौन सा एसिड चला जाता है. तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब नेटल लीव्स जब बर्निंग सेंसेशन पैदा करती हैं तो जो वो एसिड इंजेक्ट होता है बॉडी में वो होता है बेटा मिथेनॉइक एसिड. ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, मिथेनॉइक एसिड. अगर मैं आप लोगों से पूछूं स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉइक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉइक एसिड, अगर आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस और नो में आंसर दो. देखो इसका स्ट्रक्चर होगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन. इसको अगर सिंपल में लिखूं तो एच सी डबल ओ एच, तो ये है मेरा मिथेनॉइक एसिड. ठीक है, अच्छा यहां पे मिथ का मतलब क्या था, कि मेरा जो कार्बन एटम होगा वो कितने होंगे मेरे यहां पे, वन. और ऑइक, ऑइक का मतलब ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप मेरा कैसा होता है, जब मेरा सी डबल बॉन्ड हो और एक ओएच लगाओ तो ये मेरा एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको मैं ऑइक से रिप्रेजेंट करता हूं. ठीक है, अगर मेथ की जगह मेरा लिखा होता एथेनॉइक एसिड तो आप लोगों का क्या स्ट्रक्चर होता, कोई मुझे बता सकता है? एथ का मतलब होता है व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज टू, यानी दो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनाओ. ऑइक का मैंने फंक्शनल ग्रुप बता दिया है. ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी आप बैलेंस करोगे तीन हाइड्रोजन एटम से, क्योंकि कार्बन जो मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता है, मैक्सिमम बॉन्ड्स वो कितने होते हैं, वो होते हैं चार. क्या कार्बन पांच बॉन्ड्स बना सकता है? चलो अगर ये चीज आप लोगों को क्लियर है तो एक होमवर्क और है आप लोगों का, आप लोग मुझे बताओगे स्ट्रक्चर बना के. फर्स्ट वन इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. दूसरा बताओगे मुझे आप ब्यूटेनोइक एसिड, और तीसरा मुझे आप लोग बताओगे पेंटेनॉइक एसिड. ठीक है, इनके स्ट्रक्चर करके आप लोग मुझे होमवर्क बताएंगे.
अच्छा एक चीज और, जो यहाँ पे मिथेनोइक एसिड इसका आंसर आया था, इसका कॉमन नेम भी होता है, क्या मुझे कोई इसका कॉमन नेम भी बता सकता है? मिथेनोइक एसिड का कोई कॉमन नेम बता सकता है मुझे, इसका कॉमन नेम? काफी टाइम एग्जाम में मिथेनोइक एसिड की जगह इसका कॉमन नेम दे दिया जाता है, तो बच्चे लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कॉमन नेम होता है बेटा फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना प्लीज। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, और इसने बोला था ये इसने किसकी डिस्कवरी करी थी, क्या कोई मुझे बता सकता है? अगर आप लोगों को रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट याद हो तो देखो, रदरफोर्ड ने मुझे चार अजम्पशंस दिए थे। पहला अजम्पशन था कि जो एटम का जो सेंटर है, एटम का जो सेंटर है वो मेरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, और उसने उसका नाम बताया था न्यूक्लियस, यस और नो? वेरी गुड। उसने एक चीज और बताई थी कि नियरली ऑल मास ऑफ एन एटम resides inside a nucleus, कि जो एटम का जो मास है, जो एटम का जो मास है वो किसकी वजह से है? वो न्यूक्लियस की वजह से है, ठीक है। उसने एक चीज और बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं अराउंड किसके अराउंड मूव करते हैं? चलो वेरी गुड, क्या ये चीज सबको क्लियर है? और उसने एक चीज और बताई थी कि जो मास है न्यूक्लियस का, मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड की ये चार अजम्पशन है जो आप लोगों को याद होने चाहिए बेटा जी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कि उसने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। तो अजम्पशन वन, अजम्पशन टू, अजम्पशन थ्री, अजम्पशन फोर, आप लोगों को इसको याद होने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बोला गया है द स्पीशीज दैट हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज, ठीक है, मुझे एक एलिमेंट दे रखा है, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे रखा है। बोला गया है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के किसके बराबर होगा, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर होती है? सबसे पहले तो आप लोग कुछ फॉर्मूले लिखो, ठीक है। मेरा कंपाउंड क्या दे रखा है? क्या यही मेरा कंपाउंड दे रखा है? Cl stands for क्लोरीन, यस और नो, ठीक है। और जो आपको जो यहां पे स्मॉलर नंबर दिखाई दे रहा है, हमेशा जो स्मॉलर नंबर होगा, आप लोग ऐसे याद करो, जो स्मॉलर नंबर होगा इस केस में 17, वो मेरा हमेशा क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। और जो मेरा बिगर नंबर होगा, बिगर नंबर इस केस में 35, वो मेरा होगा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो Cl stands for क्लोरीन, और जो स्मॉलर नंबर होगा इस केस में मेरा 17 है, वो मेरा एटॉमिक नंबर होगा। बिगर नंबर होगा जो कि इस केस में 35 है, वो मेरा मॉलिक्यूलर वेट होगा। अब देखो फॉर्मूले, देखो इसके फॉर्मूले क्या होंगे, फॉर्मूले होंगे अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई बोले कि आप लोगों को प्रोटॉन्स निकालना है, तो प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक
नंबर डायरेक्टली. अगर इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों से बोलूंगी प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो प्रोटॉन इज डायरेक्टली इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरा स्मॉलर नंबर विच इज इक्वल टू 17. यस और नो? चलो वेरी गुड. अगर मैं आप लोगों से पूछूं न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट माइनस एटॉमिक नंबर. वेरी गुड. यानी अगर इस केस में अगर आप लोगों से पूछूं कि न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट देखो हमेशा बड़ा नंबर होता है, यानी कि 35 माइनस एटॉमिक नंबर जो कि हमेशा छोटा नंबर होता है, ये होता है माइनस 17. तो ये आंसर देगा आप लोगों को 18. यस और नो? चलो वेरी गुड. उसके बाद आप लोगों से पूछूं कि इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज. ठीक है, देखो यहां पे इस वाले एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं है. अगर ऑप्शन बी देखोगे तो बी देखो सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इस चार्ज की बात करें तो इस केस में कोई चार्ज नहीं है, तो यानी चार्ज के केस में जीरो लोगे और इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे. इस केस में एटॉमिक नंबर क्या है आपका, देखो एटॉमिक नंबर है आपका स्मॉलर नंबर 17 माइनस चार्ज जो कि कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना आया 17. यानी कि जो ऊपर वाला जो आप लोगों को कंपाउंड दे रखा है उस केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने आए आपके 17. अब आप लोगों को इस चारों ऑप्शन में से कंपेयर करना है कि 17 इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे. ठीक है, क्या आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यस और नो? देखो इसमें से मैं एक ऑप्शन सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, और फिर आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो मुझे लगता है आप लोग सॉल्व कर लोगे. इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे कितने मिले 17. चलो मैं ऑप्शन बी सॉल्व करके बताता हूं, तो मेरा 34 16 s+. वेरी गुड. इस केस में अगर मैं आप लोगों से पूछूं एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर हमेशा छोटा नंबर होता है जो कि होगा 16. वेरी गुड. और मॉलिक्यूलर वेट पूछूं तो मॉलिक्यूलर वेट हमेशा बड़ा नंबर होता है जो कि होता है मेरा 34. वेरी गुड. और मुझे इस केस में इलेक्ट्रॉन्स निकालने, इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला मुझे बता दिया है जो कि कितना होता है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज. वेरी गुड. और चार्ज यहां पे मेरा कितना है प्लस 1. यस और नो? वैल्यू पुट करो. एटॉमिक नंबर कितना है मेरा 16. 16 मैंने यहां पे निकाल लिया था ऑलरेडी. माइनस चार्ज, चार्ज कितना है मेरा यहां पे प्लस 1 का, तो माइनस और प्लस कितने होते हैं, माइनस होगा तो 16 माइनस 1 इक्वल टू 15. इस केस में मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो मेरे आ रहे हैं 15. तो आप लोग प्लीज मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्यों होगा. फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, प्लीज इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में बताइएगा. तो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे इस वीडियो को लाइक करिए. आई नीड योर सपोर्ट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.